हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है होम रिपेयर एंड नीड्स, इसमें हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, जितना भी होम अप्लायंसेस का रिपेयर हुआ, जितना भी प्लम्बिंग, कारपेंट्री, जितना भी ये सब है जो होम में रिक्वायर्ड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना किसी रिपेयरमैन, बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के हेल्प से खुद से कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं खुद से। तो अगर आप खुद से अपने घर के चीज़ों को रिपेयर करना चाहते हैं, होम अप्लायंसेस के बारे में जानना चाहते हैं कौन सा होम अप्लायंस आपके घर के लिए बेस्ट होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओपन वेल सबमर्जिबल पंप, वाटर पंप के बारे में। एक्चुअली अगर आपके घर में वेल है, कुआं है, तो आपके लिए ये जो सबमर्जिबल वाटर पंप होता है वो बेस्ट होता है। जो जनरल वाटर पंप होता है उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके वेल का वाटर लेवल 35 फीट से नीचे चला जाता है तो उसमें बार बार प्राइमिंग करना पड़ता है, उसमें आपको फुट वाल्व इंस्टॉल करना पड़ता है, प्लस उसमें एक और टेंशन रहता है कि वो चोरी होने का चांस रहता है क्योंकि वो वेल के ऊपर इंस्टॉल रहता है, तो वो चोरी होने का टेंशन होता है। बट ये जो सबमर्जिबल वाटर पंप होता है वो आपके वेल के बॉटम में होता है, सबसे नीचे वाले पोर्शन में होता है, तो इसमें कोई भी प्राइमिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी फुट वाल्व लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़्यादा ये सिक्योर होता है, इसे जल्दी कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। सपोज आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा पंप चोरी हो जाएगा, वो कुएं के नीचे रहता है, वो दिखेगा भी किसी को नहीं, वो जल्दी चोरी होने का चांस भी नहीं है। जो जनरल वाटर पंप होता है उसका जो लिमिट होता है वो होता है 35 फिट। 35 फिट के हेड के बाद आपका उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, बार बार उसमें एयर आने लगता है। बट ये जो सबमर्जिबल वाटर पंप है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग एचपी में आता है, अलग अलग पावर कैपेसिटी में आता है, और कितना भी डाउन रहे आपका वेल, कितना भी डाउन रहे, ये उस हर एक कंडीशन में काम करेगा और प्राइमिंग का कभी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये जो पंप है ये हाफ एचपी का है और हाफ एचपी अप टू 60 फिट हेड तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही आपका वेल और ज़्यादा डीप है, सपोज 80 फिट डीप है या 80 फिट टोटल हेड आ रहा है, तो 1 एचपी का ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा वाटर पंप है इसमें क्या क्या साथ में दिया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस वाटर पंप को आप कैसे अपने वेल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें आपका सब कुछ दिया गया है, बाहर से आपको कुछ खास खरीदने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वाटर पाइप और जो आपका इलेक्ट्रिकल वायर होता है वो आपको परचेज करना पड़ेगा आपके वेल के डेप्थ के हिसाब से। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये छोटा सा बॉक्स, ये आपका बॉक्स बी है, पैकेज बी है, ठीक है। और इसमें आपका दिया गया है आपका जो स्टार्टिंग स्विच होता है आपका, वो दिया गया है, ये देखिए। इसको आपको अलग से परचेज करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको इसमें मॉडल नंबर दिया गया है, यहाँ पे मॉडल नंबर है, सेम मॉडल नंबर आपका यहाँ पे है, और इसमें आपका सब कुछ है। इसमें आपका एमसीबी खुद से जो ट्रिप करेगा वो भी दिया गया है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि इस वाटर पंप को एटलीस्ट एक टाइम आपको रन करना है पर वीक, और ये हमारा सफिशियंट है, कोई अलग से परचेज करने का जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा पैकेज बी। अब हम लोग मेन जो पैकेज है, पैकेज ए, उसे हम लोग देखते हैं। तो पैकेज ए में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिख रहा है वो है इसमें 12 मंथ्स वारंटी है, तो कोई टेंशन का आपको जरूरत नहीं है, 12 मंथ्स इसमें वारंटी है, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया है। और सबसे ज़्यादा ये जो सबमर्जिबल मोटर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि स्मूथ, साइलेंट और एफिशिएंट होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो ऊपर वाला जो जनरल मोटर होता है जो कि वेल के ऊपर होता है, वो क्या है, जब भी चलेगा तो एक इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करेगा, बट ये वेल के नीचे रहता है, आपको उसका साउंड भी पता नहीं चलेगा कि आपका मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब वाटर आपके टैंक में फिल हो जाएगा और ओवरफ्लो होगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा ये जो मोटर है चल रहा था, अब हमारा टैंक फिल हो गया। तो स्मूथ, साइलेंट और इफिशियंट होता है सबमर्जिबल मोटर। उसके बाद इधर देखते हैं, और यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशंस दिया गया है,
और कौन सा पाइप यूज़ करना है वो दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हाफ एचपी का है, बस हाफ एचपी का है, और हाफ एचपी ये 60 फिट हेड के लिए सफिशेंट है, मोर देन एनफ है। और यहाँ पे आरपीएम आउटपुट, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्राइस, तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे एमआरपी दिया गया है 8,210, बट मैंने इसे परचेज़ किया है जस्ट 5,700 में। और नीचे ये वी गार्ड का है, और इसका ऑफिस सब कुछ डिटेल दिया गया है। उसके बाद इधर यही सब है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड में इसके कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें वाइड वोल्टेज रेंज ऑपरेशन, वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट भी करता है तो कोई टेंशन नहीं है, स्टेनलेस स्टील मोटर शाफ्ट, ये जो होता है समरजल मोटर उसके जो शाफ्ट के अंदर वाटर रहता है, तो अगर ये स्टेनलेस स्टील का नहीं रहेगा तो उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, वो एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। उसके बाद गारंटीड परफॉर्मेंस, क्वालिटी, डायनेमिक बैलेंस्ड, डायनेमिक बैलेंस कोई भी मोटर रहेगा, वाटर पंप रहेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो वाइब्रेट करेगा। तो ये सारा इसका बेनिफिट्स दिया गया है। अब इसे हम लोग ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो कि मुझे नज़र आ रहा है वो है इसका यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, ठीक है, 12 मंथ्स वारंटी है इसका, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें है ये बेंड पाइप जो कि यहाँ पे लगेगा, और ये जो बेंड पाइप है इसमें आपका फिल्टर दिया गया है वायर मेस का, तो कोई भी इम्प्योरिटीज आपके मोटर और डिलीवरी पाइप तक नहीं पहुंचेगा, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे फ्यूचर वीडियोस में हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है इंसुलेटिंग टेप एंड रबर कंपाउंड टेप जो कि वायर को कनेक्ट करने में काम आता है, वो भी इसमें दिया गया है। कुछ भी अलग से आपको खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पाइप और इलेक्ट्रिकल वायर आपको परचेस करना है आपके वेल के हाइट के हिसाब से, और कहाँ तक आपको लेके जाना है उसके हिसाब से। और यहाँ पे जो है हमारा मेन मोटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवी है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये हेवी है, इसे निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा मेन मोटर है, और इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, ये खाली है पूरा, इसे मैं साइड रख देता हूँ। उसके बाद यही है हमारा मेन वाटर पंप, ये देखिए काफ़ी सॉलिड और काफ़ी स्ट्रांग है। यह है हमारा वाटर पंप, और बहुत ही स्ट्रांग इसका कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये स्टील बॉडी है तो इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं आएगा, और ये जो बाकी इसमें है ये आपका कास्ट आयरन का ये सब बना हुआ है, तो इसमें भी कोई रस्टिंग का टेंशन नहीं रहेगा, कास्ट आयरन में टेंशन नहीं होता है। तो ये ईयर्स एंड ईयर्स चलने वाला प्रोडक्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं आने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सबमर्जिबल वाटर पंप को कैसे खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वेल में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई रिपेयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।